प्रवेश उनका भतीजा था। इन तीनों को भिन्न भिन्न धाराओं के अंदर भिन्न भिन्न सजा सुनाई। मैं आपकी सेवा में ऐसा करना चाहता हूँ, 120B यानी षड्यंत्र करने, कॉमन इंटेंशन आप मर्डर की, क्राइम की, रेप की थी, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है। 302 यानी मर्डर में, उसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट है। रेप है 376 का, उसमें 25 ईयर्स है। और 328 है, 10 साल की सजा है। 363 पे 7 साल की सजा है। 201 यानी षड्यंत्र करने में, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में, 201 का मतलब एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में 5 साल की सजा है, 50,000 रुपया जुर्माना है। और 343 में 2 साल की सजा है और 20,000 रुपया जुर्माना है, ये तीनों को। बाकी जो तीन मुजरिम हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, अन दत्ता सब इंस्पेक्टर है और तिलकराज है, और तीसरा मुजरिम सुरेंद्र है, उनको 5 साल की सजा एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की और 50,000 जुर्माना अगर नहीं पैसा दिला दिया। सर एक क्वेश्चन है, पुट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जो पहले तीन है सांझीराम, दीपक प्रवेश, उनको लाइफ टर्म मिला है अंडर रणबीर पिनल को, एंड 25,000 का 25 साल का लाइफ, उसमें 376 डी में 376 में 25 ईयर्स और लाइफ टर्म में 25। अच्छा, तो मतलब लाइफ टर्म हैज कैटेगरिकली मेंशन, कैटेगरिकली मेंशन अंडर रेप 376, I am sentencing them 25 years. So sir, 25 years or lifetime एक साथ चलेगा या एक के बाद एक साथ चलेगा? सब कोई ऐसा नहीं है कि 20 साल गुजारे 20 साल फिर गुजारो शुरू से करो, ऐसा नहीं है। सब साइमल्टेनियसली 25 ईयर के बाद, उसमें से ये 1.5 साल की जो अपनी काटी है वो भी काटी है। सर लाइफ टर्म कितने ईयर्स का होता है? 20 ईयर्स। जैसे दीपक खजूरिया, प्रवेश कुमार और सांझी राम को तो अदालत ने 302, 120B, 376 डी, 376, 511 अटैम्प्ट टू रेप, 328 नशीला पदार्थ किसी को देना, 363 किडनैपिंग, 201 343 इसके तहत मुलजम करा दिया, ठीक है। और प्रवेश कुमार को इसके साथ साथ 376 डी, 511 के तहत भी मुलजम करार दिया है। तो इनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 302 में लाइफ और 1,00,000 रुपया जुर्माना, और ना देने की सूरत में 6 महीने की और सजा। सर एक कंफ्यूजन और क्लियर कर दीजिए, ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आपने बात की, ये टिल डेथ है कि खाली 28? वो जजमेंट आने के बाद हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि जज साहब ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही प्रोनाउंस किया है और डिटेल जो है वो जजमेंट देंगे। बासरा साहब भी बाहर आए थे तो उन्होंने तो कहा लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ। मैडम ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कोर्ट से ये सवाल किया गया था, कोर्ट ने कहा कि लाइफ और जो ये कंकरेंट है, ये जब 25 साल की सजा है जो दोनों इकट्ठी चलनी है, तो इसलिए लाइफ। हेलो, कठुआ रेप और मर्डर केस में कोर्ट ने उनका फैसला सुना दिया है और अब जो एक्यूज है उनको यहाँ पर गुरदासपुर जेल जो है वो दोबारा ले जाया जा रहा है। आज कोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पे सुनाया और उस फैसले में कोर्ट ने यहाँ पर 7 में से जो 6 लोग थे उनको दोषी करार दिया, और आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब इनको गुरदासपुर, ये देख सकते हैं आप सांझी राम जो है वो यहाँ पर आगे उनको गुरदासपुर जो कन्विक्ट हुए हैं जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है, इन सबको आप यहाँ पर पुलिस की वैन में यहाँ पर बिठाया जा रहा है। और फिलहाल कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए जो तीन मेन कॉन्स्पिरेटर थे इस पूरे प्रकरण में, दीपक खजूरिया और साथ ही यहाँ पर सांझी राम और प्रवेश, इन तीनों को कोर्ट ने यहाँ पर Thank you.
जो पुलिस वाले थे उनको हुआ जो एविडेंस मिलाने का जो वो था उन पर धारा लिखी थी उसके अकॉर्डिंग उनको हुई है अंडर उसके हुई है 5 साल और जुर्माना क्यों हुए जुर्माना उनका 203 लोगों दीपक खजूरिया को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, 1-1 लाख रुपया जुर्माना हुआ है तीनों को, और जो 376 डी जो रेप की धारा थी उसमें हुआ 25 साल की सजा और 50,000 रुपये उसमें जुर्माना, और जो बाकी के 3 पुलिस ऑफिशल्स थे जो 201 के में दोषी पाए गए थे तो उनको हुई है 5-5 साल की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना। लेकिन कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट सुनाया उससे पहले बहस भी हो रही थी, क्या कोर्ट जज ने क्या आपने जजमेंट दिया? सर हमने देखो कैपिटल पनिशमेंट इसमें मांगी थी, इसमें ठीक है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है इसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए, हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए बट देखते हैं अभी जो जजमेंट आएगी उसके बाद हो सकता है हम इसमें जो एक्विटल हुई है उसके खिलाफ शायद हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन आपको लगता है पूरी तरह से इंसाफ मिल पाया कि नहीं मिल पाया? फिलहाल देखिए जैसे अफवाहें चल रही थी ये बिल्कुल ही ठीक है, इनको जैसा भी आपको पता ही है कि क्या क्या चल रहा था रीगल लोगों में क्या क्या वहाँ के, तो उस हिसाब से देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि जो अभी सज़ा मिली है उससे फिलहाल हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक है फिलहाल, बाकी हम बैठकर जजमेंट आएगी उसके बाद देखेंगे उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें आगे हम कैपिटल पनिशमेंट के लिए हम आगे इसमें जा सकते हैं, ठीक है मांग कर सकते हैं, और जो एक्विटल है इसमें अपना विशाल तो उसके अगेंस्ट भी हम जाने की सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको विशाल को क्यों सजा नहीं मिल पाई, क्या रीजन रहे आपका? जब तक जजमेंट नहीं आ जाएगी कॉपी हाथ में नहीं आएगी, जब तक पढ़ के नहीं देखेंगे उसमें कि क्या किस ग्राउंड पे उनको छोड़ा गया तो तब तक हम कुछ नहीं उसमें कह सकते। लेकिन आप आगे जाएंगे विशाल के खिलाफ भी? हाँ बिल्कुल हम जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कोई सरकार नहीं, कोई मोदी नहीं, कोई जितेंद्र नहीं, सारे कोई है नहीं रेला कलिया रेला दर्दा रुला नहीं हाँ पराई क्या था वो ही हाँ हे मालका को सारे और पराई अंदर नहीं करे हाँ हे मालका को सारा पराई अंदर करे हाँ। तो आप बताइए जो कोर्ट से जो जजमेंट आई है कोर्ट ने जो आज उनको उन्हें कहा होगा साठ पर पर ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा ऐसे कुछ पता नहीं कोड़ा साठ पर लोगा साठ पर लोगा साठ पर पहना दर दर फिरानिया साथ साथ तब नहीं बैठिया कोई सरकारी कुछ नहीं सारा कोई नहीं बस वो माल के नोड़े भी रखे हमें भरोसा बस उस माल को शिकीन कोर्ट की जो कोर्ट की गाल नहीं करनी कोई नहीं मैं कोड़ा पता नहीं कुछ ऐसा जरा कितना भी सरकार है हे माल का से सरकार है मैं तू देखिया सारे ऐसे साठ पर साल वो कोई नहीं सुनी सुनी कुसर सरकार ने कोई मोदी ने नहीं सुनी कोई जितेंद्र सिंह ने सुनी अभी अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हायर कोर्ट में जाएंगे आपके इस चीज का सवाल पड़ा जरा कोई करेगा क्या सर सवाल पड़ा गरीबा पहना सरकार कोई पता नहीं कोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता बस। तो आपको क्या लगता है कि साजीराम जिनको सजा हुई है इतने जो एविडेंस है उनके अगेंस्ट जो लाए गए थे कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने तो अभी क्या लगता है आपको? जो करेगा सो भरेगा सारी दुनिया जान गए जैसा करना ऐसा कुछ ऐसा खूट अपने साथ निकल जाए गलत जरा इस केस के बीच देखते ना लेके जरा करा से कुछ ना ले सके बस कुछ ना होगा जो दरबार ना बस में कुछ और गल कर सके ना गलत गल नहीं सारे के हाथ जोड़ने कोई गलत ना से ना बस कुछ के खिलाफ नहीं है जरा सारे के ना करके हे मालका हे माता रानी तू साहब ले पूरा 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 ले अंदर साल साल पर बैठे कोई सरकार नहीं रही कोई सरकार है ही मोदी के साथ है कोई नहीं कोई सरकार नहीं चलो चलो असे नहीं बोलने इंदे अगे नहीं असे बड़े बोले साल हो या बोल के चलो जे मर गए सारी सरकार असे करनी वे रुली रुड़िया बने तरुली वे उन्हें पता ना मीडिया हो पूछो हम शुरू से बोले प्रॉब्लम क्या है किस वास्ते प्रॉब्लम है सरकार को सरकार सरकार नहीं नहीं चुप सरकार का कौन सा बंदा इसमें इन्वॉल्व है ये बता दो मुझे और मीडिया हो ना आप जाके सरकार से पूछो कौन सा बंदा इन्वॉल्व है इसमें जिसको वो बचा रहे हैं और निर्दोषों को फांसी दिला रहे हैं वो समझ सकते हो ना ये सारा जो एजेंडा फैलाया हुआ है ये सरकारों का ही है बस सच्चाई सुनायो जे लगे लगे सच्चाई दसियो क्यों क्या ये मोदी जी ऐसे मैं तेरे परिवार से हूँ हमारी फाइट शुरू है वो शुरू थी बस वो चलती रहेगी
बस।